Hi everyone. So if you are an employer or a director or a founder of any organization or HR head as well, right? And अगर आप इस pandemic situation में किसी employee को fire कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं उसकी नौकरी से, तो एक बार please I request to all of you, rethink करिए और उस बारे में सोचिए कि आपने इस employee को hire क्यों किया था। आप उस बारे में सोचिए कि उसके पूरे परिवार का क्या होगा immediately firing के बाद, क्योंकि एक employee, सिर्फ एक employee एक कंपनी से नहीं जुड़ा होता, उसका पूरा फैमिली उस पर डिपेंडेंट होता है। और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आई नो वेरी वेल मैनी ऑर्गेनाइजेशन फायरिंग पीपल बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेविंग, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट सेविंग सिर्फ लोगों को निकाल कर ही कर सकती है? क्योंकि लोगों को निकालना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इजी वे होता है कॉस्ट सेविंग करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कॉस्ट सेविंग और मेथड्स के थ्रू भी हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीजें रन हो रही होती हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं जिसके थ्रू कॉस्ट सेविंग की जा सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स टू दैट एरिया कभी नहीं सोचती है और वो हमेशा सिर्फ एक एम्प्लॉय के ऊपर डायरेक्ट हिट करती है और उसकी नौकरी के ऊपर हिट करती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम जब रिसेशन आता है सबसे पहले एम्प्लॉयज की नौकरी जाती है, और बहुत सारी स्मार्ट कंपनियां ऐसी हैं जो इस पर डिसीजन लेती हैं, डिफरेंट एरिया पे सोचती हैं एम्प्लॉय को निकालने से पहले। ये चैलेंजिंग टाइम है, ये जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिस आई डोंट थिंक सो उनपे इतना कॉस्ट सेविंग का फर्क पड़ेगा एम्प्लॉय को निकालने का, लेकिन बिकॉज ऑफ रीजन दिस इज द पैनेडेमिक सिचुएशन एंड चैलेंजेस दे आर फायरिंग पीपल, दे आर कटिंग पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। थिंक अबाउट वो लोग जो मेहनत से, दिल लगा के, एक उम्मीद के साथ, एक सक्सेस की ग्रोथ के साथ, उस फेथ के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं और तन मन लगा के अच्छे से 9 घंटे तो छोड़िए 14-14 घंटे 18-18 घंटे आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और आप लोग उन्हें बगैर नोटिस के इस चैलेंजिंग टाइम में निकाल रहे हैं। क्या परिवार में से एक इंसान को जब सिचुएशन क्राइसिस में हो, वो इंसान प्रॉब्लम में हो, क्या उसे निकाला जाता है? निकालना मुझे नहीं लगता एक सॉल्यूशन है। इस पर रीथिंक करिए और कोशिश करिए कि कॉस्ट सेविंग किसी और मेथड से करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इस पे एनालाइज करिए, एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि एक इंसान की नौकरी नहीं जाती, एक इंसान की नौकरी के साथ उसके घर वालों का बहुत कुछ जाता है। सोचिए किसी के बच्चे उनके स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ध्यान से सोचिए, किसी की बेटी की शादी होनी होगी, किसी के लोन और EMIs चल रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनको निकाल कर ही कॉस्ट सेव कर सकती है, सो दैट्स गुड, दैट्स योर ऑप्शन, योर चॉइस, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा बिफोर फायर समवन, रीथिंक वंस अगेन बिकॉज दिस इज नॉट ए जोक। एक इंसान नौकरी जाने पे स्ट्रेस में भी आ सकता है, एक इंसान नौकरी जाने पे सुसाइड भी कर सकता है, एक इंसान नौकरी जाने पे कोई भी ऐसा स्टेप ले सकता है जो लाइफ में नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में सोचिए, उसके परिवार के बारे में सोचिए, और जो आप फायर कर रहे हैं आप भी एक इंसान हैं, अपने बारे में भी सोचिए। क्या आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं किसी को निकाल कर? क्या आप रात में ढंग से सो पा रहे हैं किसी को फायर करके? खुशी, हैप्पीनेस वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक साथ मिलिए, जुड़िए, कंस्ट्रक्टिव चीजों को निकालिए, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन को निकालिए। किसी को जॉब से निकालने से पहले एक बेटर सॉल्यूशन निकालना सीखिए। थैंक यू सो मच। आई होप आई वाज अ बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, बट आई हर्ड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज ड्यूरिंग दिस, सो दैट्स व्हाई टुडे आई एम जस्ट यू नो अपलोडिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।